नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। बेबिका ध्रुवे के पिता जनार्दन, जो कि जाने माने ज्योतिष हैं, वह बिग बॉस ओटीटी 2 में नजर आए। आपको बता दें, बीबी होटल वाले टास्क में वह घर में एंटर हुए। इस दौरान उन्होंने सभी घर वालों से बातचीत की, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। वहीं दूसरी तरफ उनका हाथ और माथा भी देखा, भविष्यवाणी भी की। इस क्रम में एल्विश यादव और मनीषा रानी से फ्यूचर के बारे में भी कई शॉकिंग दावे किए, जिसे सुनने के बाद कुछ हंस पड़े तो कुछ दंग रह गए। ऐसा क्या कहा, आइए बताते हैं। बिग बॉस ओटीटी 2 में जनार्दन पंडित आए, उनका अच्छे से स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद मनीषा रानी के बारे में बेबिका ध्रुवे के पापा ने भविष्यवाणी की। उन्होंने उनके माता पिता का नाम और जन्म स्थान पूछा और फिर बताया, बचपन से बहुत जिद्दी, हट्टी और स्वाभिमानी है, किसी के अधीन नहीं रहने वाली हो। तुझे 17-18 वर्ष से ही, पढ़ाई की अवस्था से ही तुझे काम करने की लगन है। महीने की 1000-2000 की भी जॉब करना है। घर और पिता का ध्यान दिया है। शादी का योग 2024 में है। इच्छा जैसा बालक मिलेगा, भयंकर खुश रखेगा। पति तेरा आज्ञाकारी होगा, तू मारेगी तो वो बर्दाश्त करेगा। भविष्य तेरा बहुत उज्जवल है। तेरे चेहरे पर सरस्वती लक्ष्मी और सदा सुखी रहने वाला लक्षण है। वहीं दूसरी तरफ एल्विश यादव के घर पर लाखों की चोरी भी हो गई। यूट्यूबर के चैनल पर डेली व्लॉग में उनके पिता ने बताया कि नया घर जो बन रहा है, वहां से चोरों ने उनके घर से काफी सामान चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि वो बिग बॉस में गए और इधर रात में लोहे के प्लेट लेकर चोर चले गए। साथ ही एल्विश के पापा की कार, जो कि रोड पर खड़ी थी, उसमें किसी ने ऐसी टक्कर मारी जिससे उसमें काफी डेंट आया है और पीछे की लाइट भी बुरी तरह से टूट गई है। एल्विश के पापा ने बताया, 75 लाख रुपए का चूना लग चुका है। बिग बॉस ओटीटी 2 के तमाम जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।